हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस टॉपिक में वीडियो दिखाने वाली हूँ वो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्लांट है और ये एक सिंगोनियम का प्लांट है। ये देखिए, ये नया पत्ता खिलने वाला है। इसका कलर एक्चुअली बेबी पिंक है, जो आपको वीडियो में इतना पिंक नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये प्लांट एक्चुअली बहुत लेगी बन गया था, तो मैंने इसको फिर से कट करके मैंने फिर से इसको प्लांट पॉटिंग कर दी है, ताकि इसको एक अच्छी सी शेप मिल जाए। अब बढ़ते हैं इस प्लांट की तरफ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक सकुलेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक डिस्पोजेबल कप है प्लास्टिक का, जिसमें मैंने इस सकुलेंट को लगाया है। और ये मैं ऐसे इस पहले दिखा देती हूँ। ये एक मेरा किचन से निकला हुआ एक जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये एक पॉट है, तो इसी पॉट में मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लुक आता है। और अगला प्लांट है, ये एक कैक्टस है। ये कैक्टस मुझे मेरे नेबर ने दिया था, एक छोटा सा, बहुत ही इतना सा था, बस इतना सा था। तो उसी प्लांट से देखिए आज ये कितना बड़ा हो गया है। और इसको भी मैंने एक डिस्पोजेबल कप में लगा के रखा है, और इसको मैं इस क्यूट से प्लांटर में मैं ऐसे डाल के रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये अगला है, ये देखिए ब्लू कलर के क्यूट से प्लास्टिक के पॉट में ये मेरा मूनस्टोन सक्यूलेंट लगा हुआ है। बहुत सुंदर सक्यूलेंट है ये। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये एक डक प्लांटर है सेरेमिक का, और इसमें मैंने ये बॉलीवियन ज्यू लगा के रखा है। देखिए, दूर से दिखाती हूँ, कितना क्यूट लग रहा है। देखिए, बॉलीवियन ज्यू बहुत आसानी से लग जाते हैं इनके कटिंग्स, बस एक हफ्ते में ही ये बहुत ग्रोथ पकड़ लेता है। फ्रेंड्स, मैं ये पहले वाले रो के प्लांट्स थोड़े से हटा लेती हूँ, ताकि दिखाने में आसानी हो। तो ये ब्लू कलर के सेरेमिक पॉट में आप देख सकते हैं, ये मेरा बनी ईयर कैक्टस है। देखिए, इसमें जो छोटे छोटे जो ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और ये देखिए एंग्री बर्ड का प्लांटर है मेरा, और इसमें मैंने ये एक सेंसिवेरिया लगा के रखा है। इस वाले वैरायटी को बर्ड्स नेस्ट बोलते हैं। तो ये क्यूट सा प्लांट इस क्यूट पॉट में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ये मेरा आउल प्लांटर है, और इसमें मैंने लगा के रखा है ये छोटे छोटे दो जीजी प्लांट्स के सैपलिंग्स लगाए हैं मैंने, तो ये प्लांटर भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ये मेरा छोटू सा प्लांट है, और इसका नाम है एलोकेशिया, और ये मैं नर्सरी से इसी पॉट में ख़रीद के लाई थी, तो मैंने इसके पॉट को चेंज नहीं किया है। वैसे प्लांट बहुत छोटा है, अभी इसको रिपॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये छोटा सा पत्ता भी निकला है नया। ये अगला प्लास्टिक का पॉट है, ये ग्रीन कलर का, और इसमें लगा हुआ है ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट। मैंने आपको अपने सिंगोनियम कलेक्शंस दिखाए थे, तो उस वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये प्लांट जो है इसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि इसमें बहुत मिली बग्स हो गए थे, तो मैंने सारे स्टेम्स को काट दिए थे। तो अभी देखिए, ये प्लांट ऐसा अभी इसका लुक आ गया है, इसमें नए नए पत्ते निकल गए हैं, और ये काफ़ी अभी एक भरा पूरा प्लांट लग रहा है।
फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स आप देख चुके हैं। अभी मैं पीछे जो प्लांट्स हैं वो दिखाऊंगी, उससे पहले मैं इन सारे फ्रंट के जो प्लांट्स हैं उनको मैं पहले हटा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चॉकलेट कलर के पत्तों वाला ये सिंगोनियम है। ये इसी पॉट में लगा हुआ था जब मैंने नर्सरी से इसको ख़रीदा था। और ये देखिए नया पत्ता यहाँ पे खिलने वाला है। और ये देखिए एक मेरा फाइकस का छोटा सा प्लांट है, और ये बहुत ही खूबसूरत से एक सेरेमिक पॉट में मैंने इसको लगाया है। और इस दोनों प्लांट्स को फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी ड्राई हो चुकी थी तो आज बारिश हुई थी सुबह को, तो मैंने इन दोनों पॉट्स को बाहर रख दिया था। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते कितने खिले खिले से और धुले हुए लग रहे हैं। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, मैं लगभग ये एक साल हो गया है और ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक बॉन्साई लुक आने वाला है इसमें। ये अगला प्लांट है मनी प्लांट। एक्चुअली इसमें दो प्लांट्स, दो तरह के मनी प्लांट्स लगाए हैं मैंने। ये एक फोटोज एन्जॉय है और ये नियॉन फोटोज है। तो इसमें ये देखिए नए दो पत्ते निकले हैं, ये वाला एक और ये वाला एक। तो कैसा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, आप बताइएगा मुझे। ये अगला है एक सक्यूलेंट, और ये इसी पॉट में लगा हुआ था जब मैंने इसको ख़रीदा था। और ये हवर्थिया वैरायटी का सकुलेंट है, ये भी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है। सकुलेंट्स वैसे धीरे ही ग्रोथ करते हैं। और अब बढ़ते हैं लास्ट प्लांट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये आपको देखकर पता ही चल गया है कि ये एक सिंगोनियम प्लांट है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसके पत्तों का कलर मुझे पिंक कलर के। आपको उस वीडियो में इतना इसको जो इसका ओरिजिनल जो खूबसूरत सा एक पिंक कलर है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रियलिटी में इसके पत्तों का कलर बहुत सुंदर है। तो यही सारे प्लांट्स हैं जो मुझे आपको दिखाने थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरे ये छोटे छोटे प्लांट्स देखकर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।